उत्तर प्रदेश बहराइच भारतीय जनता पार्टी ने सरस्वती विद्या मंदिर में सदस्यता अभियान चलाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राघवेंद्र प्रताप सिंह टिंकू भैया रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को वोटर बनने का अधिकार बताया और फार्मों का वितरण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मत का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हमने अपने मत का प्रयोग करते हुए एक ऐसी सरकार बनाई जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आदर्श भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत बन रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और अब महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे वो महिलाओं के हित में सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाया और राम मंदिर बनवाया, ये हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। का प्रयोग किया और उस मत के प्रयोग से हमने इस देश में एक ऐसी सरकार बनाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो सरकार जब बनी तो भारत आज समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, उन्नतशील भारत, परमाणु शक्ति से संपन्न भारत। और आज जहां कहीं भी हमारे राष्ट्र का राष्ट्रनायक जाता है संपूर्ण देश के लोग आज पीछे पीछे चलते हैं। पहले क्या था, हम पीछे पीछे चलते थे और ये कैसे संभव हुआ, आपके वोट के नाते संभव हुआ। तो मेरा आप सबसे पहला आग्रह ये है कि आप सबके परिवार में जो भी 18 वर्ष के पूर्ण होने वाले हैं, ये जो महीना है हमारा, इसमें जो भी इतवार पड़ेगा उस इतवार में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उस पोलिंग स्टेशनों पर बीएलओ बैठेगा और बीएलओ के द्वारा मतदाता का जो फार्म है, फार्म नंबर 6, वो भरा जाना है। तो आप लोग चिंता कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय होता है जब वोट पड़ना होता है तो जो हम राष्ट्रवादी लोग हैं ना, राष्ट्रवादी का मतलब समझते हैं ना, हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये बहुत वोट की चिंता नहीं करते हैं। और जिस दिन पोलिंग स्टेशन पर वोट पड़ना होता है, जब पहुंचते हैं तो मतदाता सूची में हमारा नाम गायब मिलता है तो हमें बड़ी संख्या में 200-250। टिंकू भैया ने विद्यालय के छात्र छात्राओं से कहा, विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं संस्कार से परिपूर्ण होते हैं, यही आने वाले भारत का भविष्य है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन के प्रत्याशी रहे अशोक जायसवाल, अंकुर तिवारी, हर्ष उदय सिंह आदि मौजूद रहे। कंगना रनौत जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने एक बयान दिया है कि 2014 में हम आजाद हुए, उससे पहले जो आजादी हमको मिली थी वह एक भीख की तरह। इस पर GNN न्यूज तो कड़ी निंदा करता है, इस पर भाजपा का क्या राय है? देखिए, वो कंगना रनौत का अपना कोई व्यक्तिगत सोच रही होगी, लेकिन एक बात तो ये थी कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। आजादी, हमें आजादी शब्द जब हम कहते हैं तो आजादी युद्ध से आती है और युद्ध में जीत करके आजादी ली जाती है। अंग्रेज तो देश छोड़कर भाग गए थे हमारे हाथों में सौंप करके। तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कहा होगा, उनकी क्या सोच रही होगी। कुछ चुनिंदा लोगों में सर्वे करते हैं और आपने देखा है कि अभी तक जो बहुत इधर सर्वे आ रहे हैं वो अपनी कसौटी पे बहुत खरे नहीं उतर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों को एनर्जी दे रहे हैं और लोगों को बूस्टअप कर रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत लोग शिथिल हो गए थे उस शिथिलता को दूर कर रहे हैं 2022 के लिए। हम सब की टीम पूरी निकली हुई है और क्षेत्र में हम सबको बूस्टअप कर रहे हैं, अपने कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं, सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर व्यक्ति को एक टारगेट है कि वह 50 सदस्य नए और 50 सदस्य पुराने बनाएगा। और जब हम व्यक्ति के बीच में जाएंगे, उनके हाथों से मोबाइल लेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमसे कुछ चीजें संवाद के रूप में करेगा और जब हम उनसे संवाद करेंगे तब उनसे हमारा संपर्क होगा और संपर्क के माध्यम से हम अपने दल में उनको फिर से जोड़ पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या बढ़ेगी, आप उसकी चिंता न करें, बढ़ेगी और हम बहुमत की तरफ जाएंगे।